नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश और आप देख रहे हो एसएससी स्टॉक मार्केट। वैसे तो जेपी एसोसिएट की वीडियो में सुबह में बताया बनाया था, लेकिन शाम को या फिर कह लें दोपहर में एक इसमें न्यूज निकल के सामने आई है और उसी न्यूज के बारे में बात करेंगे यहाँ पे हम लोग। यहाँ पे 4 नवंबर 2024 का ये पीडीएफ आप लोग वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है ना। और साथ में उसी के साथ में इसके ही कह लें कि सब्सिडरी कंपनी यहाँ पे 4 नवंबर का ये अपडेट है। और साथ में यहाँ पे हम लोग ये जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड के बारे में भी बात करेंगे, जिसके प्रमोटर यही जेपी एसोसिएट लिमिटेड है। तो दोनों एक ही ग्रुप की कंपनियाँ हैं, दोनों के बारे में बात करेंगे। देखिए, जेपी पावर में आज फिर से 3% की गिरावट आई है, जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे हो सकता है। और जो मूविंग एवरेज की पोजिशन बनी हुई है वहाँ से अब थोड़ी भी गिरावट ज़्यादा गिरावट में कन्वर्ट हो सकती है। जेपी एसोसिएट का बात करेंगे, जेपी एसोसिएट दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही है। आईबीसी स्टेज वन में ये शेयर शामिल है। केवल एक दिन वीक में इसकी ट्रेडिंग होती है, सोमवार के दिन। इंट्राडे ट्रेडिंग इसमें वैसे भी बंद है, क्योंकि हफ्ते में जब एक ही दिन ट्रेडिंग होती है तो वो भी इंट्राडे ट्रेडिंग थोड़ी होगी, और बंद है टोटल, ठीक है ना। 1 करोड़ इक्विटी शेयर आज इसका टोटल ट्रेड हुआ है, 7 करोड़ रुपये का, ठीक है ना। अब देखिए, इसमें एक छोटी सी अपडेट आई है, मुझे बहुत ज़्यादा तो समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं ये लोग क्या लिखे हैं। फाइनेंशियल वाली भाषा इन लोगों की होती है, समझ में नहीं आता है। बस ये बता दूं कि एक बैठक हो रही थी इनके जो जेपी एसोसिएट के मतलब जो भी होंगे समिति होंगी, और एक जो समिति वो लोग बनाए हैं जो ऋणदाता हैं इनके, मतलब जो पैसा कर्ज दिए हैं इस जेपी एसोसिएट लिमिटेड को, उनके ऋणदाताओं की एक जो है समिति बनाई गई है। क्योंकि अब सभी कंपनियां तो आके भाग नहीं लेंगी ना, यानी जितने बैंक दिए हैं हर बार बैठक में आके भाग लें तो वो लोग क्या कर देंगे, मान लेते हैं कि अगर 15 लोगों ने कर्ज दिया है, 15 बैंकों ने कर्ज दिया है, तो 15 बैंक क्या करते हैं कि एक सर्वसम्मति से एक जो है समिति का गठन कर देते हैं, जिस समिति में हो सकता है 5-10 जो भी लोग हों उनका गठन कर देते हैं। अब जब भी कॉरपोरेट दिवालिया के तहत बैठक होगी तो वो अब सारे के सारे बैंक नहीं जाएंगे कि नहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, आईडीबीआई बैंक, जो जो भी कर्ज दिए सब बैंक जाके वहाँ पड़े, वो समिति जो है इनके साइड से जो है अपना पक्ष रखेगी, एक वकील टाइप का, ठीक है ना। तो वो जो है समिति जिसका नाम जिसको यहाँ पे सीओसी जो कहा गया है, सीओसी के साथ चौथी इनकी जो है मीटिंग ये हो रही थी, और इसी में कुछ जो है कंपनी को कुछ अप्रूवल लेना था, क्योंकि अब कंपनी लगभग दिवालिया हो चुकी है, कुछ भी अब करना होगा तो ये जो सीओसी जो है ऋणदाताओं की समिति उससे जो है अनुमति लेना पड़ेगा। तो कुछ इनको जो है अनुमति लेना था, उसी के तहत वोटिंग यहाँ पे हो रही थी। जो वोटिंग मैं बताया था आप लोगों को, 3 अक्टूबर 2024 दोपहर 12 बजे शुरू हुई और जो है 29 अक्टूबर 2024 को रात 9 बजे समाप्त हुई। और जो भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड कॉरपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया विनिमय 2016 CIRP विनिमय के तहत जो है कुछ अनुसार, जिसमें वोटिंग के लिए रखे गए प्रस्तावों को कॉरपोरेट देनदार के सीओसी द्वारा निम्नानुसार जो है अनुमोदित किया गया। तो वहीं इन्होंने कुछ प्रस्ताव रखा था अपने सीओसी के द्वारा के पास, तो उन्होंने कुछ अनुमोदित किया है, कुछ अप्रूवल दिया है सीओसी ने, तो वो जो है इसका अपडेट आया है। जिसमें एक तो यहाँ पे कहा गया है कि राहु घाट जल विद्युत परियोजना जो है, जो 40 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना नेपाल में है, के लिए जो है कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को अंतरिम वित्त के रूप में पूरा करने के लिए कंपनी द्वारा 100% मार्जिन अधिग्रहण अधिकारी चिन्हित अवधि के लिए इनको जो है 10 करोड़ रुपए की नई बैंक गारंटी चाहिए, और उसके लिए जो है यहाँ पे अनुमोदन मिला है। 66% चाहिए था, 2/3 बहुमत, लेकिन इन्होंने 85% मोहम्मद से पास हुआ है, ठीक है ना, सीओसी द्वारा पास किया गया है, ठीक है ना। तो ये एक काम ये कर लेंगे। और उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो और भी कई सारे थे, ये एक और था जिसमें बताया गया कि CIRP जो है अवधि के अंत तक सीडी के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों की लागत के लिए अनुमोदन। तो जो इनके प्रमुख कर्म की हैं, मतलब काम करने वाले हैं, ठीक है ना, उनका भी जो वेतन वेतन है मतलब उनको भी देना पड़ेगा, तो उसको उसके लिए भी 66% चाहिए था अप्रूवल बहुमत।
जिसको 88% से पास कर दिया गया है और बैठक में मतदान से स्वीकृति यहाँ पे मिल चुकी है। वहीं पे सीआईआरपी अवधि के अंत तक सीडी के निदेशकों के पारिश्रमिक की लागत के लिए भी अनुमोदन चाहिए, तो उनका भी पारिश्रमिक चाहिए, ठीक है ना। तो उसके लिए भी 66% चाहिए था, दो तिहाई, और उसके लिए भी 82.82% से बैठक में स्वीकृति मिल चुकी है। तो ये दो तीन काम करने के लिए इनको जो है अनुमति मिली है, और इसी का ये अपडेट आया है जेपी एसोसिएट लिमिटेड का, ठीक है ना। डिटेल वीडियो मैं सुबह में बनाया था, देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, मैं आपको बताया हूँ कि 3 ट्रेडिंग सेशन और इसमें लोअर सर्किल लगेगा। इसका रिव्यू होगा 30 नवंबर 2024 को, 30 नवंबर को इसका जो होगा रिव्यू होगा। अगर बाहर आ जाएगा तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा इसमें जो है तेजी हो सकता है देखने के लिए में, नहीं तो फिर कंटिन्यू गिरावट इसी तरह से देखने के लिए मिलेगी। जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड का कहेंगे तो 3.5% की गिरावट आई है। आज 4 करोड़ इक्विटी से टोटल ट्रेड हुआ है, यहाँ पे देखेंगे 4 करोड़ इक्विटी से टोटल ट्रेड हुआ है, जिसकी टोटल ट्रेडेड वैल्यू 71 करोड़ रुपये आ रही है। और डिलीवरी परसेंटेज की बात करेंगे तो 49% के आसपास का डिलीवरी परसेंटेज आ रहा है। सर्किल लिमिट इसका 20% बढ़ा के कर दिया गया। अब देखिए रिजल्ट रिजल्ट सब कुछ इसका आ चुका है, जो मैं आपको बहुत पहले से बता चुका हूँ। 182 करोड़ रुपए का इसको नेट प्रॉफिट हुआ था, पिछले क्वार्टर में 350 करोड़ था और इसके सेम क्वार्टर में 70 करोड़ का कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ था। एफआईआई डीआईआई जो होल्डिंग शेयर होल्डिंग पैटर्न का अपडेट मैं आप लोगों को दे चुका हूँ। अभी भी सेलिंग के साइड में देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे 2.36 करोड़ इक्विटी शेयर सेलिंग के साइड में लगा है, मतलब समझ सकते हो आप लोग कितना लोगों में डर है, नेगेटिविटी है। अब देखिए यहाँ पे मैं क्लियर बताया हूँ आप लोगों को कि इसमें व्यू जो रहेगा वो थोड़ा सा कॉशस वाला रहेगा, हालांकि खरीदारी करने का ही व्यू रहेगा। अगर आप 15 रुपये या 15 रुपये के नीचे का स्टॉप लॉस फॉलो कर सकते हैं, या फिर 15 रुपये के प्राइस पे एक बार एवरेज कर सकते हैं 15-16 रुपये के आसपास, तो फिर इसमें आप जो है खरीदारी कर सकते हैं। जब भी खरीदारी करिए लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करिए, क्योंकि अभी स्विंग ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म ये दो टाइम फ्रेम के लिए इसमें खरीदारी रिस्की रहेगा, क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूँ। क्योंकि जब भी एक एक्स्ट्रा से मोमेंटम आया है बड़ा, हिस्ट्री रिपीट वाली मैं कई सारी वीडियो बना के, अभी कल भी वीडियो बनाया था, उसके पहले वीडियो बनाया था, यहाँ से अगर एक गिरावट इसमें आ जाती है बाई चांस मार्केट की वजह से आ जाए या किसी भी वजह से आ जाए, क्योंकि मार्केट में भी आज 1% से लेके जो है 2-2.5% तक की गिरावट सारे के सारे इंडेक्स में थी। निफ्टी में भी देखेंगे हम लोग तो क्लोजिंग के बेसिस पे भी 1.25% की गिरावट शो कर रही है। निफ्टी में बैंक में भी 1% के, और निफ्टी आईटी थोड़ा सा फ्लैट ट्रेड कर रहा था, तो निफ्टी आईटी की वजह से थोड़ा सा रिकवरी आया लास्ट में, ठीक है। अब देखिए अगर मार्केट में और ज़्यादा गिरावट आती है तो फिर ये भी अगर थोड़ा ज़्यादा और गिरावट करता है तो फिर ये थोड़ा ज़्यादा समय भी लेगा, जैसे यहाँ पे साइडवेज नहीं हुआ था उसी तरह से नीचे भी आके यहाँ पे साइडवेज कर सकता है, तो टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए स्विंग ट्रेडिंग तो बिल्कुल नहीं करना है, शॉर्ट टर्म बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए वहीं अगर यहाँ से भागेगा तो शॉर्ट टर्म में तो आप लोगों को कुछ ना कुछ टारगेट दे देगा, लेकिन अगर बाई चांस नीचे आ जाता है तो फिर ये जो है समय ले लेगा 3 से 6 महीने का, तो फिर शॉर्ट टर्म बिगड़ जाएगा हम लोगों का। तो जब भी खरीदारी करिए लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करिए, और स्टॉप लॉस दो आप फॉलो कर सकते हैं, एक तो मतलब वहीं लो के नीचे का भी चाहो स्टॉप लॉस फॉलो कर लो, नहीं तो आप 15 रुपये के नीचे का 15.5 रुपये के नीचे का स्टॉप लॉस के साथ जो है 26 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी कर सकते हैं। बस खरीदारी करने के पहले ये मत सोचिएगा कि 1 महीने 2 महीने 4 महीने में शेयर टारगेट दे देगा, 1 साल भी लगा सकता है, कितना भी टारगेट लगा सकता है, या फिर 2 महीने के अंदर अंदर भी दे सकता है, ठीक है। 26 रुपये का टारगेट कंडीशन के हिसाब से रहेगा, मार्केट जैसे बिहेवियर दिखाएगा वैसे ये भी करेगा, तो ठीक है। अगर किसी को एवरेज ओवरेज करना है तो भी वो जो है 16 रुपये 15.5 रुपये के आसपास एवरेज ओवरेज करके फिर नीचे का वो लोग स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे। देखिए बहुत कंफ्यूजन इसमें है, इतना ये कंसोलिडेट कर चुका है यहाँ पे ना, कि भाई ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा भी साइडवेज रहेगा जब तक एक बहुत बड़ा कंफर्मेशन ना मिल जाए। जैसे कंफर्मेशन यहाँ पे मिला था, एक बड़ी सी तेजी हुई थी जब इसका सर्किल लिमिट सीधा 5% से बढ़ के 20% हुआ था, लेकिन जस्ट उसी के बाद एक फिर से गिरावट आ गया और फिर से जो रेंज था उसी रेंज में आके फंस गया है। तो देखते हैं कब ये रेंज को तोड़ता है ऊपर या नीचे की साइड में। कंटिन्यू वीडियो बनाता रहूंगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में।